बहुत बढ़िया सुना रहे हैं, दादाजी को घर की याद आ गई, जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सुनाया भाई मेघ ने, इतना अच्छा गीत सुनाया, उसके बाद सुरा का कमरा भी सुनाया, और अभी तो इसने इतनी बढ़िया तारीफ़ की, मैंने तो बात को घुमाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं माना, और इतनी बढ़िया तारीफ़ की प्रेमिका की, और शादीशुदा है तो लुगाई की तारीफ़ की होगी ऐसा हमारा अनुमान है। और हमारे घरों में मेवाड़ में मेघ, अगर इस तरह से कोई आदमी अपनी लुगाई की तारीफ़ करने लग जाए तो मोहल्ले की औरतें बातें करना शुरू कर देती कि कहो कि इनकी लुगाई इन्हें कहीं खुआ दीदो दिखे है, कन कहीं जादू मंत्र करा दीदो दिखे, कि इन्हें तो वही वाह दिखे। ये मेवाड़ है, बहुत अलग सिस्टम है यहाँ पे। क्या बात कही, मतलब निकालनी पड़ती है बात में से, तो बात निकालनी पड़ती है। हाँ अच्छा, नई बात का क्या मतलब कि इधर से सुना और इधर से आपने जवाब दिया तो नया है ना, बाकी क्या मतलब है, लिखा लिखा है तो सब पढ़ रहे हैं। भाई मेघ बहुत प्रतिभाशाली है, मैं चाहता हूँ मेघ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए, इसने प्रेम के ऊपर इतना बढ़िया सुनाया। मुझे तो याद आती है एक घटना, एक साधु अपनी मस्ती में जा रहा था, बरसात हो रखी थी, कच्चा रास्ता था, रास्ते में कहीं कहीं हल्का हल्का पानी भरा हुआ था, और साधु अपनी मस्ती में, संत था अपनी मस्ती में जा रहा था, उसके साथ में एक प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा भी चल रहा था। साधु का पैर एक पानी से भरे हुए गड्ढे पर गिरा, उसमें से थोड़ा सा कीचड़ उछला और उस प्रेमिका के कपड़ों पर लग गया, जिसे उस प्रेमी उसके प्रेमी को इतना क्रोध आया कि उसने साधु के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। साधु ने कुछ नहीं कहा, एक बार ऊपर देखा, मुस्कुराया और फिर से अपनी मस्ती में चल दिया। साथ साथ उसके वो फिर प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा भी चल रहा था, वो भी इसी रास्ते से जा रहा था, थोड़ा सा आगे गया, संयोगवश उस प्रेमी को ठोकर लगी, वो नीचे गिरा, उसका सर पत्थर से टकराया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों ने साधु को बुरा भला कहना शुरू किया, उनको पता था कि अभी अभी इनका झगड़ा हुआ था, उन्होंने साधु को बुरा भला कहना शुरू किया कि तुम संत होकर के एक थप्पड़ सहन नहीं कर सके, तुम कितने असहनशील साधु हो, तुम साधु हो ही नहीं, तुम्हें कितना क्रोध आता है कि तुमने इसे शाप दे दिया कि इसकी मृत्यु हो गई, तुमने ऐसी कौन सी बद्दुआ दे दी जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो साधु ने जवाब दिया, मेरे पांव से कीचड़ उछला लगा किसको, इस लड़की को, क्रोध किसको आया, इसके प्रेमी को, इसके प्रेमी ने मुझे थप्पड़ मारा, क्रोध किसको आया, मेरे प्रेमी को। इस दुनिया में इसका कोई प्रेमी है तो मेरा भी है, ये प्रेम का मामला है, पर आपने अठे अलग मामलो, आपने अठे तो शादी ब्याह में पुड़िया न नटरी हो, मिठाइयां न नटरी हो, तो भाई बन जू मैं आती हूँ, आप दामा ले ले, एक चारी में वहां के चार चार मेले के ले लो के नटबा में के। अच्छा घंटा खांड में सारो सामान साफ कर हाथ बांधर खड़ा हो जाओ और कहो यहाँ का तो हर बारी कम पड़ेगा, ये तो पुरस्कार ही बनो, मैं की थी तुझे कोई करवाला ही ना। हाँ? बाबा जी आ गया, चलो बहुत बढ़िया आए हैं, आने वालों का तो स्वागत करना चाहिए। अब इनके चेहरे पर देखो कितना संतोष है। हाँ? नहीं नहीं ये तो चौथापन है जैसा कि श्याम ने बताया, और चौथा आश्रम है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, क्या बहुत बड़ा आशीर्वाद है साहब, बूढ़े आदमी तो आशीर्वाद देने के ही काम आते हैं, और ऐसे लोगों के आशीर्वाद से ही तो बाकी क्या है जीवना में, कोई प्रधान साहब या एमएलए साहब जिम्बा आ जाओ तो आल तो जिम्बा जिमणो है जो वो कपड़ा में ही न मावे, वो लोगों ने इशारा कर कर बताओ आपने घर जैशान है कही। अच्छा वहाँ वहाँ के पात्या का ऊपर है फरदान साहब का दाल तो दरी एक्स्ट्रा बचा बचानिया होगा बेटा है, बेटा है कि नहीं, नहीं यहाँ के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। फरदान साहब का पात्या का ऊपर दरी एक्स्ट्रा बचानिया होगा, नहीं आपने लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब फरदान साहब आपने उठेगा सुहाना तहसील का मान लो।
अच्छा वो जीके जीके घर में कहीं जीवनों टूटनो है वो वन हाथ जोड़ शान खेवे के आप आ गया तो मारे सब आ गया अब हमारे कोई नहीं छा रियो जतरा वे बेचारा पात्या पर जीम रिया वो दूसरा जाना मंगता कांगा जैसी फीलिंग अब लाग जावे यार नू तो देर जीम बा तो खाली प्रधान साहब नहीं बुलाया आपा तो बने नूतिया ही आया अच्छा अधिकतर नेता लोगों का कहीं शुगर बीपी ऐसी बीमारियां रेव ही है वहां का लारा कार्यकर्ता रहे वे तो सब फिट रहे ना पर वो दामो देखते ही फैली प्रधान साहब मार दो शुगर है जी बोलो जिम्मा पड़ गया अरे यहाँ का हारा के शुगर है रे रबा दो बेचारा कार्यकर्ता ने पुकार रहना पड़े बहुत बढ़िया साहब आपने तो जिम्बा में जावे तो आदमी अपने आप ने खास रिश्तेदार समझे दूल्हा का कोई मासा जी है तो कोई पोंपा जी है चाहे छेटी में लगे तो नहीं ई पर मारो जीव बत्तो हाँ पंडित जी फेरा करा रहे जो फेरा कराता करता ही क्या बिंद का काका जी कौन है साहब फटा एक आदमी बोल क्यों मैं हूँ साहब तो लो ये ढोल वाला ने 1100 रुपया दो कागजा ने बुला लू मैं तो काका बाबा में लगा बहुत अच्छा कई करा मतलब आपने अटे फोकट में 500 रुपया मिल रहा हुआ जाने लेबा ने 2000 को काम छोड़ रहा आदमी लाइन में लाग जाओ फोकट में हाफ भी मिल रहा हो तो ले रह जाओ कि पड़ोसियों को छोड़ काम आई मारे घरे एक तांत्रिक ने बुलायो मैं क्यों काम दाम सही ना चल रही हो जो ठीक ठाक जो काम तांत्रिक आयो देख दुखार मन क्यों भाई साहब खूणा में गमलो मेल दो जो था के बहुत बढ़िया चाली हर पड़ोसी को सत्यानाश करो जाए वंश नाश करो जाए यो नेम बर्बाद हो जाए मैं क्यों अरे ढब दादा पड़ोस में हमारा पिताजी रहे कई खरा आदमी टेंशन ले हुई कौन है मेवाड़ का आदमी हमेशा टेंशन फ्री रहता है कौन कौन नंबर हाँ राजस्थानी अपनी मेवाड़ी जो बोली नारायण जी हाँ नारायण जी बहुत बढ़िया आदमी सब बढ़िया है मेवाड़ी बोली का आनंद अलग ही है साहब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी की तरह बोलते हैं मेवाड़ी बोलते हैं तो ठेठ मेवाड़ी बोलते हैं यूं स्टैंडर्ड की मेवाड़ी ना बोलना का आधी हिंदी मिक्स करके नहीं आनंद लेवा पूरो है मारे दोस्त के मेडिकल की दुकान उठे एक जनो आयो जो 1 रुपयो खुल्लो लायो आते ही फैली क्यों दस्ताई गोली दे दो अच्छा वो भी ड्रोर में यूं निकली मैं क्यों रे इन्हें पहुंच तो ले तो अनाबाई की चारी ढाब बाई की वो क्यों 1 रुपये ही गोली उन्हें तो अवेयर ने डब्बा टेंशन ले बाओ कटे काम ही कौन है मां कटे बेदराज जी 80 साल का हो गया तो भी पेशेंट देख ही रहा हाल तक वहां का वो बेड बेड बचाए तो को राके जी पर वे खुद ही उतारे वे कोई की बार पेशेंट आ जाओ तो हूं देख कर आंखिया मींच ले वे और होच वो करे के सिद्ध होई नराद न हो न बकी जो इन दे दूं महाराज दाता को ऑपरेशन करा पाई क्यों अच्छा वहां का पिताजी की फोटो लटक रही हॉस्पिटल में है डॉक्टर पिताजी भी डॉक्टर है मारी बेना साथ में ही जो देखते हैं फैली क्यों ये लो भाई साहब डॉक्टर साहब तो मर गया वहां पर लिखियो तो को स्वर्गीय डॉक्टर फला 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 जो क्यों डॉक्टर साहब तो मर गया वो ऑपरेशन कौन कह रही मैं क्यों ये दीतवार हूँ दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे और हारा ही ऑपरेशन कर जावे राजस्थानी भाषा के इतने बढ़िया गीतकार हमारे बीच में आदरणीय सोन जी चौधरी विराजमान है भाई नारायण जी बहुत प्यारी भाषा है साहब राजस्थानी भाषा बहुत प्यारी भाषा राजस्थानी भाषा में बड़े बड़े मंत्र हैं राजस्थानी भाषा में कुत्ता भगाने का मंत्र है वो मंत्र आप लोग जानते हो लेकिन काम में लेते हो लेकिन जानते नहीं हो और वो मंत्र है धुर धुर कुत्ता बुलाने का मंत्र है तू तू मेरे गांव में जब भैंस पानी में चली जाती है तो भैंस का मालिक तालाब के किनारे खड़े होकर के 3 बार मंत्रों का उच्चारण करता है डिल्डो 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 ये सुनकर के भैंस बाहर आ जाती है ये मंत्र शक्ति का चमत्कार नहीं तो और क्या है
ये सोनजी चौधरी धरना देने वाले हैं जयपुर विधानसभा के बाहर, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने के लिए, और इनकी मेहनत सफल होगी और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिलेगी और हमारे यहाँ कोर्स में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी। कोर्स में जब राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी तो परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं होंगी तो प्रश्न पत्र पेपर आएगा, पेपर आएगा तो उसमें लिखा होगा निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो, और वो मुहावरे होंगे लापा लगाना, जड़ा पाड़ जाना, होलिया उठना, हंसनी रान मलगड़ियों बाटी खरी न्याल न करे। एक बार ढंग से तालियां वालियां बजाओ यार।